जल बढ़िया बढ़िया। ओहो आप देख ही नहीं रहे, हम लोग कब से बुला रहे हैं आपको। अरे हमने देखा ही नहीं। क्या चाल आपके? तो फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो अभी हम ना बस वाला सो गए थे बस में, तो पता ही नहीं चला। अभी का सीन ऐसा है, अभी हम लोग बिलासपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लग चुका है अच्छा खासा ट्रैफिक लगभग। तो अभी हम लोग मंडी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, तो ये चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्काई ब्रिज है। तो हेलो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू बस स्टैंड। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के 6 बज चुके हैं और फाइनली मैं एकदम से रेडी हो चुका हूँ। तो आज का सीन ऐसा है, आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, यानी कि मनाली से जा रहे सीधा चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि थोड़े दिन आउटिंग करते घूमते फिरते हैं। तो बहुत सी चीज़ें दिखाने के लिए, बहुत से लोगों से मिलेंगे हम लोग, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। पब्लिक जो ये ट्रिप रहने वाला है और ये ब्लॉग रहने वाला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें कई चीज़ें दिखेगी आपको, कई जगहें घुमाएंगे और कई लोगों से मिलवाएंगे। तो सबसे पहले निकलते हम लोग अपने मेन हाईवे की तरफ, वहाँ से बस पकड़ते हैं और सीधा निकलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। और पूरा मतलब दिन भी दिखाएंगे, आज का दिन भी, कल का, मतलब जितने दिन भी हम चंडीगढ़ जाएंगे पूरा सीन दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते सीधे अपने बस स्टैंड की तरफ, रास्ते की तरफ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नींद से उठाऊ ना, मैं सीधे मैंने कमीज़ वमीज टी शर्ट वी शर्ट पहन ली और सीधे ही मतलब ऐसे नींद नींद में जा रहा हूँ मैं। तो चलिए सीधे निकलते हैं, नीचे बस पकड़ते हैं और निकलते हैं चंडीगढ़ में एक लंबी सी राइड पे। तो देखिए हम लोग हाईवे पर पहुंच चुके हैं और आई थिंक अपनी बस भी आ चुके हैं। तो चलिए इस पर बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यही है, हाँ यही है, जो भी है ठीक है, चंडीगढ़ तो जाएगी। ओ भाई यही होगी शायद से। तो हेलो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू बस स्टैंड। तो ये देखिए, तो ये लगी है सामने अपनी बस। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए, तो इसकी फीलिंग भी लेके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये रही अपनी बस। बस यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है 20 मिनट रुकेगी और 20 मिनट के बाद सीधे निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो ये चेकआउट कीजिए, आज का मौसम एकदम से नीला, आसमान हल्के हल्के बादल है और अपने सूर्य भगवान जी भी आ चुके, देखिए वहाँ से धूप निकल रही है अभी फिलहाल। तो अभी देखिए अपना बस स्टैंड पूरा खाली है। तो यहाँ पर देखिए स्काई ब्रिज है। तो अभी हम लोग मंडी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। तो ये चेकआउट कीजिए, ये रहा मंडी का बस स्टैंड। यहाँ पर 15-20 मिनट बस रुकेगी, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, किसी ने ब्रेकफास्ट करना होगा तो कर सकते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे आगे के लिए। तो देखिए ये रहा अपने मंडी का बस स्टैंड। अभी का सीन ऐसा है, अभी हम लोग बिलासपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लग चुका है अच्छा खासा ट्रैफिक लगभग 2-3 किलोमीटर का। तो ये चेकआउट कीजिए, यहाँ पे लगभग 2-3 किलोमीटर ट्रैफिक लग चुका है। तो देखिए सारे ट्रक की ट्रक है, बस अपनी एक इकलौती बस है बीच में, बाकी पूरे ट्रक, देखिए आगे भी ट्रक और पीछे तक ट्रक। तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, लगभग 15-20 मिनट से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम और लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए, अरे मुझे लगा आम का पेड़ है, पता नहीं क्या है वो। तो फाइनली अपना ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा निकल चुका है। तो देखिए कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं लाइन बारी से। क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखिए कितना लोड ट्रक चला हुआ है। चल 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 चक भाई, चक 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 फिर चक चक दिया, चक दिया उसने। देखिए कितना हैवी ट्रक है भाई, टायर देखिए कितने सारे हैं। यहाँ से देखिए लाइन बारिश से बसें लगी हुई है सारी, वो देखिए आगे तक सब बसें, HRTC, फिर पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज और हमारी भी हरियाणा रोडवेज।
तो देखिए ट्रैफिक का कारण परे ट्रक कहाँ गया ट्रक है। तो देखिए यहाँ पे क्रेन लगी हुई, शायद ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। अरे तो अभी रुके हैं लंच करने के लिए। तो देखिए सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं यहाँ पे हरियाणा रोड पे, पंजाब रोड पे सभी। तो लगभग 2 से 2.5 घंटे ट्रैफिक के बाद ट्रैफिक खुला और अभी लंच करने रुक गए हैं। तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं चंडीगढ़ पहुंचने में, क्योंकि भाई साहब वहाँ ना ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब ख़तरनाक वाला। तो चलिए जो भी हुआ अभी तो निकल चुके हैं यहाँ से। तो अभी लंच वंच कर रहे हैं सारे, हम तो नहीं करेंगे। तो जैसे लंच करते हैं उसके बाद निकलते। अब तो ऐसे सिर में दर्द हो रही है यार ऐसे बैठ बैठ के। तो यहाँ पर देखिए अभी मौसम ना बारिश आ रही थी, देखिए पूरा रास्ता गीला हो रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने सूर्य भगवान जी निकल रहे हैं। तो पहले जब ट्रैफिक लगा था तब बहुत बारिश लगी हुई थी यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम साफ हो गया है। तो चलिए वेट करते हैं, जैसे लंच ख़त्म होता है सभी का तो निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो अभी हम ना बस वाला सो गए थे बस में, तो पता ही नहीं चला, जैसे बस से उतरे तो एकदम से देखिए चंडीगढ़ पहुंच चुका है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बस स्टैंड के अंदर, क्योंकि हमें ना बस स्टैंड में कोई मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए अभी हम लोग सीधे वहां पर बस स्टैंड है, वहां पर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कौन आया है। अभी हम लोग हैं 43 सेक्टर में। तो कहाँ गया अपना भाई यार, नज़र ही नहीं आ रहा है। तो अभी हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी कि अपना भाई किधर है, क्योंकि वो हमें लेने आया है। फिर हम लोग सीधे रूम के लिए निकलेंगे, क्योंकि एक तो सुबह से यार कुछ भी नहीं खाया है ऐसे, मतलब पानी तक नहीं पिया है। एक जगह ये लंच करने रुके थे वहाँ पर यार, मतलब बाहर से देख के मैं वापस आ गया क्योंकि कुछ मज़ा नहीं आया। तो अभी अपने भाई को ढूँढ रहा हूँ मैं, किधर गया भाई, जल्दी आ जाओ फिर रूम को निकलते हैं। तो देखिए ये रहा अपना बस स्टैंड 43 सेक्टर। तो ये रहा अपना भाई, सामने मिल चुका है, लेकिन इससे कोई आइडिया नहीं है कि किधर। ओ भाई साहब, तो देखिए फाइनली हमें मिल चुके हैं अपने भाई, अपने कैमरामैन अनुज जी। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। ओहो आप देख ही नहीं रहे, हम लोग कब से बुला रहे हैं आपको। अरे हमने देखा ही नहीं। क्या हाल चाल आपके? तो ये अपने अनुज जी, अपने कैमरा मैन जी। इधर उतारे आप लोग। हाँ तो ये देखिए अभी हम लोग है 43 सेक्टर बस स्टैंड में। तो देखिए अपने भाई मिल चुके हैं। तो चलिए सीधे रूम की ओर चलते हैं, बाकी बातें बताएंगे आपको कल परसों। अभी बहुत टाइम है अपने पास, बहुत घूमना है हम लोग। हाँ अभी बहुत ज्यादा घूमना है, क्योंकि फिलहाल ना फिलहाल एक काम करना, रुके अभी हम लोग कुछ खाने आए हैं यहाँ पर लेके कैंटीन के अंदर। तो चलिए बहुत भूख लगी, पहले कुछ खाते उसके बाद जाएंगे हम लोग रूम की तरफ। तो देखिए हमने मंगाया है सैंडविच, तो फटाफट से खाते यार, बहुत भूख लगी है अभी। तो देखिए अपनी कॉफी भी आ चुकी है, अभी बैठ चुके हम लोग बस में, अभी निकलेंगे रूम की तरफ। तो देखिए ये रही अपनी इलेक्ट्रिक बस, तो चलिए अब रूम में जाके सीधे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंचने ही वाले हैं। तो आज का ब्लॉग ना हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि सुबह मैंने ना फोन चार्ज नहीं किया था तो मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ चंडीगढ़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।